हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आप लोगों को थंबनेल से पता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब एक नंबर वाले जितनी भी क्वेश्चंस आप लोग का अध्याय एक का सभी को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग का एग्जाम में 100% तैयारी हो पाए एग्जाम के लिए, है ना। तो क्वेश्चन वन, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, है ना, बहुपद एक्स की घात 2 + bx + c के शून्यांकों का योगफल बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन भी आप लोग देख सकते हैं क्या होगा। तो इसको आप लोग को याद रखना होगा, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर लो आप लोग। शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं, योगफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, -b/a, और गुणनफल का, ठीक है, क्या होता है, c/a। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे, अगर इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को याद रखो। ये तो हो गया एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मान के चलो बहुपद कुछ और दिया रहा था, सपोज दैट ये रहा 2x+5x+4 दे रहा था। अगर हम लोग को योगफल निकालने बोले तब भी आप लोग को आना चाहिए, और गुणनफल बोले तब भी आना चाहिए। क्लियर है आप लोग को, इस स्टेप से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक। तो आंसर क्या होगा आप लोग को पता चल गया। क्वेश्चन नंबर टू, बहुपद x^2 - 9 के शून्यांक क्या होगा बोल रहे है ना। तो इसके शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, इसको हल करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, x^2 - 9 दिया हुआ है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, x^2 - 3 का वर्ग करेंगे। देखो a का वर्ग -b का वर्ग है यहाँ पर, तो एक बार इसको लिखेंगे x-3 और एक बार लिखेंगे x+3, तब आप लोग को पता चल गया होगा कि शून्य क्या होगा। तो एक बार माइनस प्लस माइनस में होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक बार क्या होगा, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो उसको आपको करेक्ट मिल लेंगे। क्लियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, एक बहुपद के शून्यक 4 व -1 है, तो उसके गुणनखंड होंगे बोल रहा है, ठीक। शून्यक ऑलरेडी दे चुका है, कितना कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और -1 दिया हुआ, ये दोनों को दिया, और हम लोग को इस तरीका से लिखना है। देखो जस्ट इसको गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है, तो सिमिलरली होगा वैसे ही, है ना। क्या हो जाएगा इस तरीका से, देखो x-4 होगा और ये क्या हो, जो माइनस में वो प्लस में होगा, x+4 हो जाएगा। इस तरीके से ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। क्लियर है आप लोग को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि px^2 - 3x+6 हो तो p(2) का, देखो इस समीकरण जितना दिया है इसमें हम लोग को क्या करना, जहां जहां पर x है वहां पर 2 रखते जाएंगे, तब आंसर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आंसर रखकर देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पांचवा, सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर किसके जैसे बनेगा, इस वाले को जैसे मैं बताया इसकी जैसे ही बनेगा, सेम सिमिलरली आप लोग का, है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे दिया है a का वर्ग, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, a का वर्ग प्लस 2ab + b का वर्ग के गुणनखंड है करके बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताते चलेंगे, ठीक है। गुणनखंड इसको मतलब मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसको आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लो। देखो 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन को देखो आप लोग, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, योगफल का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग के पास, गुणनफल का फॉर्मूला ऑलरेडी है आप लोग के पास, सभी में देखो योगफल पूछा हुआ है, ठीक है। तो योगफल के लिए उसमें सिर्फ आप लोग को बी पता होना चाहिए, बी और ए, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बी क्या है, 5 है ना, तो -5 होगा और बटा में ए, मतलब ए की जगह पे 2 है तो 2, ऐसे होगा आंसर। इसलिए आप सभी इन चारों क्वेश्चंस को इसी वे पे ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद है और बहुपद नहीं है। तो आप लोग को इस टाइप का हर एक क्वेश्चन कर लेना है कि बहुपद कौन है कौन नहीं है करके, क्लियर है, ठीक। ये देखो ये क्वेश्चन 2018 में आया भी है, और ये जो योगफल वाला क्वेश्चन है सब भी 2018-17 में आया है, कोई किसी न किसी ईयर में आया ही हुआ है सब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दिया हुआ है देख पा रहे हैं आप लोग कि 2x है ना, 2x+5 और क्या करने के लिए बोल रहे हैं, 3x-2 का योगफल बोल रहे हैं। तो योगफल बहुत ईजी होता है, कर दीजिए आप लोग। देखो इसमें इन दोनों का योगफल करना है ना, 2x-2 है, कर दो, क्या हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3, प्लस बड़ा नंबर के सामने प्लस है इसलिए प्लस, और ये 3x था ना, 3 × 2 = 5x होगा, यही आंसर बनेगा। क्लियर आप लोग को, ठीक। इसी तरीके से
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या दिया, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स को वर्ग माइनस 5x प्लस 6 शून्यांकों का योगफल होगा कर्ग को। तो वही सेम देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हम लोग का पढ़ना नहीं है, हम लोग को ऑलरेडी प्रश्न वाली इसका दिया हुआ है ना, तो आप लोग को तैयारी कर सकते हैं, ठीक। सभी उसी टाइप का क्वेश्चन है, खाली स्थान में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को देख सकते हैं सभी का, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, किसी किसी में तो हल भी करना पड़ेगा, लास्ट के देखो 9वां से लेकर 12वां तक तो पूरे योगफल ज्ञात करने वाला, योग ज्ञात उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसी तरह सत्य असत्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर भी आप लोग को दिया जा रहा है नीचे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे।